बन्नी तू? दादू साहब, वो मेरे को ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी मामी साहब को हटे देख लिया। निशा? हाँ। हाँ? आई थी? तेरी मामी साहब हटे आई थी? के करे? युवान की शादी का नेक देने। तू भी कहीं सोचे है? फिर आप अटके कर रहे हो या बार? अरे मारी छोड़, तू बता तू इस टाइम पे अटके कहीं कर रहा है? वो युवान की तबीयत का पूछना था और उसे थैंक यू भी बोलना था, उसने मारी बहुत बड़ी मदद की है। मैं कुछ एक अच्छा सा रोमांटिक गाना लगाता हूँ आपके लिए, फील आ जाएगा। अरे यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ तो लोरी भी चलेगी। वैसे ये मास्क लाने की क्या जरूरत थी? इस पगलेट के लिए तो कोई जोकर वाला मास्क लाना चाहिए था। हम पहन के दिखाएं? You wear me, I wear you. क्या? आप हमें पहनाओ, हम आपको पहनाते हैं। ओ, क्या बीवी तुम भी ना। अरे कल रात को इतनी बड़ी बात हो गई और मारे को इसके बारे में पता ही को नहीं। ये तो अच्छा हुआ तूने बता दिया, वरना घर का तो कोई बताने से रहा। चल बेटा चल देखे। हाँ। युवान का क्या हाल है? यश, डिनर के लिए वही कटलरी निकालना जो हेमंत पेरिस से लाए हैं, ठीक है? ओके ओके। वाओ, इतनी सारी आइसक्रीम माने नहीं, ये मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें आइसक्रीम खाने का इतना शौक है। शौक नहीं है हेमंत, वो एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड है जो एक्सोटिक आइसक्रीम्स बनाती है, तो उसने मुझे टेस्ट करने के लिए भेजा है। तुम टेस्ट करो। अच्छा एक बात बताओ ना, युवान की रिपोर्ट्स आई? ऑफ कोर्स रा बेटा, बिल्कुल ठीक है, ये रही रिपोर्ट्स। बस थोड़ी सी वायरल इन्फेक्शन है उसकी बॉडी में, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। थैंक गॉड। युवान तो खुश दिख रहा है और जज भी रहा है, एकदम फिटम फिट, खिला खिला। दिखाई नहीं देता इडियट। सॉरी 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 बेवकूफ। रघु भाई जी, वो युवान की रिपोर्ट आई? आई, अभी अंदर ही देकर आ रहा हूँ। अरे सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। युवान तुम खूब लंबा जियो, खूब जिंदगी जियो तुम। क्या नाम है आपका? युवान। क्या इसका नाम भी युवान है? यही तो युवान है, और कौन युवान हो सके? कल रात को मैंने जिसका ब्लड लिया था उसका नाम भी तो युवान ही है ना। आप क्या कह रहे हो, मारे समझ ना आ रहा। कल रात को जब मैं कमरे में गया था ब्लड सैंपल लेने को, तब वहां पर दो लड़के थे, एक ये था, दूसरे ने वो कान में बाली पहनी थी। बाली? ये बाली वाला युवान कब पैदा हुआ?
फटाफट मेरा ब्लड सैंपल ले लीजिए, मेरे को सोना है भैया। क्या नाम है आपका? युवान। पन्नी, यही तो है वो जो बीच में नाच रहा है ना, इसने हरे कलर की जैकेट पहनी है, उसी का ब्लड सैंपल लिया था मैंने। प्रभु, खून लेते समय कमरे में और कौन कौन था? कमरे में एक लड़का था और वो जो हरी जैकेट पहनी ना वो एक था, और एक लड़की थी कमरे के बाहर फोन पर बात कर रही थी, और कोई नहीं था वो। उसके बाद मैंने ब्लड सैंपल लिया और कमरे के बाहर आ गया। इसका मतलब है कि सब कुछ ही मानिनी के इशारे पे हो रहा था, मतलब मानिनी कुछ छुपा रही है, वरना युवान की जगह विराज अपना खून क्यों देता? सीधी सी बात है दादू सा, जरूर वो फंटू सी मैडम है ना, उसे कुछ पता होगा कि युवान के खून में कुछ गड़बड़ी आवेगी, तभी तो उसने इस बागड़ बिल्ले का खून भेजा जांच के लिए। गड़बड़ी? हाँ, पर के गलत हो सके है? आई क्यों नहीं बन्नी? भैया का बिहेवियर ना अचानक काफी बदल गया है, पता है? बिना चंदा मामा स्टिकर के भैया एक सेकंड नहीं रह सकते। कल भैया का ध्यान तक नहीं गया कि भैया के शर्ट पे वो स्टिकर नहीं है, कहीं गिर गया है। इन शैतानों को मुखौटे पहनने की जरूरत ही कहीं है? इन्होंने तो वैसे भी मुखौटे पहन रखे हैं, इंसानों के भीतर तो पूरे शैतान ही है ये, और इन शैतानों के बीच में मारा छोरा फंस गया। मैं अभी जवाब मांगू इनसे। ना ना दादू साहब, अभी ना जाना। हमारी बात का बुरा ना मानिए कि मैं आपको रोक रही हूँ, पर खीर का मजा चखने में और इल्जाम का सबूत को सीधा मुंह पे फेंकने में आवे है। आप अगर अभी गए ना तो बिना सबूत के ये लोग आपको झूठा साबित कर देंगे, और ये लोग और ज्यादा सावधान हो जाएंगे। तभी मेरे को युवान इतनी आसानी से नियति के हाथ से खाना कैसे खा रहा था, इतनी शांति से फोटो कैसे खिंचवा रहा था साथ में। बन्नी ने अपनी माँ के साथ बहुत गलत होते हुए देखा है, तभी तो मैं कुछ ना कर पाई, पर ये बन्नी थारे साथ अब और गलत ना होने देगी युवान। हेलो। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ। बन्नी, मुझे बगर में ब्लड टेस्ट लेना है, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है भाई जी। दादू साहब, हमारे को बात समझ ना आ रही कि ये फंटोसी मैडम ये सब कर काय रही है, मतलब युवान की नियति से शादी करवा के उनका क्या फायदा? फायदा ही फायदा बेटा, फायदा ही फायदा है, क्योंकि माननीय अच्छी तरह जाने है कि जायदाद का 50% जो है वो युवान के नाम है। बांटा तो मैंने सब कुछ बराबर था, वीर ने अपने नाम को बर्बाद कर दिया, और हेमंत के नाम जो कुछ भी था वो माननीय पहले ही अपने कब्जे में कर लिया। हमारा जो 50% है वो मैंने युवान के नाम कर रखा है, जो उसके शादी के एक साल के बाद उसकी पत्नी के नाम हो जाएगा, पर उस पर भी एक शर्त है कि वो जो औरत है वो अपने आप को सही पत्नी के रूप में साबित कर दे रहा है, और माननी की नजर जो है वो उसी 50% पे है। उसी चक्कर में वो नियति को मोहरा बना के लाई है। मैंने नियति को हमेशा माननी के इशारों पर चलते हुए देखा, जो अगर ये शादी होगी ना तो एक साल में किसी तरह कोई भी क्रिया चरित्र करके नियति जो है ना वो अपने आप को सही पत्नी साबित कर देंगे, पर मजबूरन सब कुछ उसके नाम हो जाएगा, और माननी को ऐसे ही एक सेकंड में खींच लेगी उससे सारा। तो युवान के पापा सा क्या वो ना समझ पा रहे इस पूरे खेल को
हेमंत जो है वो ज्यादातर इंडिया से बाहर ही रहे, बड़ी मुसीबत वाली परिस्थिति में फंस गया हूँ मैं। अगर मैंने वसीयत बदल के युवान के नाम सब कुछ न किया होता ना, तो अब तक तो ये उसे पागलखाने बेच चुके होते। पर अगर सब कुछ ऐसे ही रहने देता हूँ तो वही होगा जो अब कुछ हो रहा है। और बात अब पैसों की ना है, हमारे को दुख इस बात का हो रहा है कि इन पैसों के चक्कर में हमारे छोरी की शादी जो है वो गलत छोरी से हो रही है, क्योंकि वो उसका कभी ख्याल ही ना रख पाएगी, क्योंकि उसकी वैसी मनसा ही को नहीं। दादो सा, पहले तो लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए। मैं हूँ। भगवान, इतना बुरा जल गया जेठ जी को। जेठ जी कहाँ गया? बुरा जल गया। आप काम कीजिए ना, आप ये वहाँ रखिए। लेकिन इन्हें दर्द महसूस कैसे नहीं हुआ? अरे फिर टैबलेट का असर है। मैं ना आइस क्यूब्स लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी। ध्यान रहे कोई देखे। दादा साहब, आप यहीं रहिए। कोई है? कोई? दादा साहब यहीं रहिए। मैं अभी बुला के लाती हूँ किसी को। एक मिनट, तुम यहाँ कर क्या रही हो? अरे वो सब छोड़ो, जल्दी बाहर आओ। दादो सब बेहोश हो गए। अरे चलो सब आओ, अरे सब आओ, जल्दी आओ। रामू, शंकर, जल्दी। दादो साहब, रामू उठा, शंकर, आसान था। दादो साहब, जल्दी करो, उठा, चलो। ये लड़की इस घर में आएगी नहीं, आउट। बन्नी, क्या हंगामा हुआ पड़ा यहाँ पर? तो उसमें ही ना है, यहाँ इसके बीमार दादोसा को ले जाया जा रहा है और ये यहाँ चुपचाप बैठा हुआ है। ये मुस्कुरा रहा है, इसको कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं? अगर ये युवान होता तो अब तक दादोसा के पास दौड़ के जाता, रो रहा होता। ये युवान ना हो सके, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। दादोसा की भी हालत ना है, ना हिम्मत है इनमें कि कुछ कर सके। जो तड़का लगाना है ना, वो बन्नी के हाथों ही लगेगा। दोस्ती करिए, दोस्ती निभाऊंगी।
दादू सा की तबीयत कैसी है अब? तुम्हारे पापा तुम्हारे दादू सा के साथ है ना उनके ड्रामे संभालने के लिए, और तुम सारा दिन फोन में क्यों चिपकी रहती हो? बाद में आके ये मत कहना कि मॉम मेरी आंखें जल रही हैं एंड ऑल दैट। मॉम मैं अपने मोबाइल और लैपटॉप पे ना ये थ्रिलर बिंज वॉच कर रही हूं। वो इतना कमाल का थ्रिलर है ना कि एक सेकंड के लिए भी आंख इधर से उधर होती ही नहीं। फिलहाल तुम इस फंक्शन पे ध्यान दो, चलो जाओ मेहंदी लगवाओ। गो गो गो। राजा इसकी डोज बढ़ा दी है दीजी, एंड थैंक यू, आपके इस आइडिया ने हमारी जिंदगी एकदम शांत कर दी है। अब इस युवान का म्यूजिक और बन्नी 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 का राग लगाना दोनों बंद, मतलब एक ही शॉट में दोनों चीजें इसकी जिंदगी से आउट। हाँ हाँ सारे कपल्स तो ऐसे ही सोचते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। शादी का परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमारे ताया जी एंड आर एवर सो ग्रेसफुल टीजी। वैसे विराज तुमने कुछ कुछ सही बोला, माननी और मेरी परफेक्ट मैरिज तो नहीं है। परफेक्ट मैरिज है। रियल सोलमेट्स कौन होते हैं? वो नहीं जो सिर्फ एक दूसरे को समझते हैं, बल्कि वो भी जो बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं, साथ निभाते हैं। जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था उस समय माननी ने मेरा हाथ थामा। हेमंत, लेकिन आज आज मैं निश्चिंत होकर बिजनेस के लिए कभी भी लंदन चला जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जाने के बाद पीछे से युवान, पापा सा, बिजनेस, घर वाले, सभी रिश्ते माननी बखूबी निभा लेगी। और इसीलिए आज मैं और माननी दोनों डांस करेंगे। हेमंत हेमंत, वो संगीत के दिन युवान के लिए मैंने ऐसे ही थोड़ा सा डांस कर दिया था, लेकिन इतनी अच्छी डांसर ने। युवान और नियति की जोड़ी तुमने बनाई है, उनके लिए तो डांस करो। ओके डीजे। मैं जानती हूं कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं, फिर भी अच्छा लगा कि तुम आए। तुम यही रुको। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।